अपन फ्री हैंड देखना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्री हैंड में अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है एंड्रू लुमीज मेथड, एक आप डायरेक्टली ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक मैंने बताया जैसे अपन डिविजन्स देते हैं। तो कैसे, तो पहले अपन को स्केच को ध्यान से देखना जरूरी है कि क्या है। जैसे ये अपन ने लिया है, बहुत सिंपल स्केच है, ठीक है। तो ये देखिए कि कैसे अपन, जैसे हेड है, तो इसका फोर हेड इस एरिया में आ रहा है, ओके ठीक है। अब चेहरा एकदम स्ट्रेट नहीं है, चेहरा थोड़ा टिल्टेड है। तो इस तरीके से अगर अपन स्केल ले, हाँ, तो इस तरीके से आएगी नोज के सेंटर से लाइन चिन से होती हुई, ठीक है। तो ये अपन ने ड्रॉ करी, तो अपन ने लाइन करी, फिर चिन चिन यहां पे आई, ठीक है। अब जरा फेस शेप देखने की कोशिश करो, चिन ये आई, फिर ये जा रहा है। अपन को कर्व नहीं देखना है अभी, अभी आपको ये जॉ लाइन का डायरेक्शन देखना है, ये ठीक है। फिर ये वाली डायरेक्शन देखो यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ चला गया तो एक ये डायरेक्शन, और फिर ये भी ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ पे एक डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप एक बार बस चिन की जो रहता है लेंथ और विड्थ, वो आप एक बार डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। अपन जैसे डायरेक्टली नहीं ड्रॉ करेंगे, अपन पहले एक रफ एरिया टाइप बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है आईज का। अब आप, मैं सच चाहता हूँ कि देखो आप आईज का कैसे लेवल बनाते हैं। अपन दोनों की टिप ज्वाइन करो, ठीक है। दोनों की टिप, एक लाइन जानी चाहिए दोनों की टिप को क्रॉस करते हुए, ठीक है। ये नियरली इसी के पर पैरेलल होगी, ठीक है। फोरहेड की थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि वह हेयर स्टाइल पे डिपेंड करती है अपने, है ना। तो ये हो गया। फिर आप एक लाइन ड्रॉ करो लिप्स के, उस पे लिप का जो सेंटर जा रहा है, ठीक है। और फिर एक लाइन ड्रॉ करो नोज के बेस पे, और नोज की विथ पे, मतलब ये जो ऊपर की तरफ कर्व जहां एंड हो रहा है यहाँ पे। तो ये अलग अलग डिविजन्स बनाया, ठीक है। ये मैंने अलग अलग डिविजन्स बना दिए। तो ये अपना हेयर वाला हो गया। तो अपन क्या करते हैं, अगर आपको डायरेक्टली लाइन से ड्रॉ करना है तो आपने इस तरीके से डिविजन बना दिए, ठीक है। अब आप चाहो तो एक सर्कल बना सकते हैं। सर्कल आपका क्या होना चाहिए, यहाँ तक एकदम चिन तक नहीं आता है। अपना सर्कल जो रहता है वो फोरहेड पे रहता है, ठीक है। फोरहेड रहता है और कर्व करते करते यहाँ आता है नोज वाले पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे एक सर्कल। तो देखो इससे एक फायदा रहता है, आपको एक पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड साइज में नहीं हो आप, ठीक है। लेकिन अभी अपन ये पहला बना रहे हैं अपना फ्री हैंड स्केच, तो अपन नियरली सेम साइज रखेंगे, ठीक है। अपन स्केल से मेजरमेंट ले लेके करेंगे, रेदर देन ड्रॉइंग अ ग्रिड अपन स्केल से मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो पहले इतना ड्रॉ कर लो अपने उसमें प्रिंट आउट में, ताकि आपको हो रहे कि मेजरमेंट मैं क्या ले रहा हूँ। तो देखो यूजुअली तो अपन को सिर्फ चेहरे से मतलब है, तो आप पेज में थोड़ा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, तो तब भी एक रेफरेंस लेके कर लो कि ऊपर से कितना सेंटीमीटर नीचे, लाइक टॉप से तो अराउंड 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर यहाँ है। तो मैं एक इस तरीके से बस लाइन, अब इसकी कोई लेंथ नहीं है, ठीक है। मैं बस बनाया जा रहा हूँ, ठीक है। अपना चेहरा की, अपने चेहरे की लेंथ कितनी है, इट इज कमिंग अराउंड 12.4। तो यहाँ से मैं 12.4, 12.5 यहाँ चिन करूंगा, ठीक है। अब मैंने एक ये लाइन बनाई थी, ठीक है। तो अब जैसा तो है नहीं कि चेहरा पहले ही एकदम सेंटर पे आना चाहिए, लेकिन तब भी अगर अपन देखें लेफ्ट से स्टार्टिंग पॉइंट कितना है और इधर से स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, तो इट इज कमिंग अराउंड 11.5 एंड दिस इज कमिंग अराउंड 10, ठीक है। इफ वी सी 11.5 and 10, ये अभी बस स्टार्टिंग के लिए है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एकदम चेहरा सेंटर पे आना चाहिए आपका। आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, आप कोने में बना दो एक पेज पे 3-4 चेहरे, डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। तो बस बहुत लाइटली, अब ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना इस समय, ये एकदम डार्क नहीं ड्रॉ करना है, ये बस एक सेंटर में जो लाइन है बहुत लाइटली ड्रॉ करी अपन ने, और ये अपना हो गया, ठीक है। तो देखो अब अपने पास चेहरा है सिमेट्रिकली है, जितना जैसा लेफ्ट में वैसे ही राइट में, बालों पे छोड़ के ऑब्वियसली। तो देखो
चिन कितनी है, चिन की लेंथ देखो, चिन की लेंथ क्या आ रही है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेफ्ट 1 सेंटीमीटर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेफ्ट यहाँ मार्क किया, 1 सेंटीमीटर राइट यहाँ मार्क किया, तो यहां से मैं एक लाइन खींचू, आपने ये लाइन खींची, आपको एक एंगल पता चल गया कि लेट्स अप्रोक्सीमेटली दिस इज 35 डिग्रीज, इतना यहाँ पे ड्रॉ करो। सेम चीज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बाद से यहाँ पे ड्रॉ करो, ये कितना है, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, दिस इज लाइक 45 डिग्रीज, तो ये ड्रॉ कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा भी ये जो लाइन, जैसे मैंने अभी बहुत थोड़ा मैसी सा कर दिया, बहुत ज्यादा भी नहीं करना इसको, बस इस तरीके से लाइटली, ठीक है। तो मेरे पास जो चेन आ गई, जॉ लाइन आ गई, अभी ऊपर वाला एरिया, तो ये देखो कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी थी ये कितने सेंटीमीटर बाद क्रॉस कर रही है इसको, तो ये मैं चेक करूँ तो इट कम्स अराउंड 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर मार्क किया ऐसे, एंड यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ तो ये आता है 3.5 के आस, 3.5 यहाँ। सो अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं पेंसिल इसकी तरफ इसलिए चला रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा पैरेलल बना सकूँ, आपको पैरेलल बनाना है। अब गलती क्या होती है इसमें कि आपने जिस शेड बना दिया और ये डायगोनल बना दिया, तो चेहरा एक साइड से चपटा हो गया और दूसरी साइड से सही है, पर वो नहीं करना। अब जैसे आपने ये सही बनाया तो अब आप चेहरे की विड्थ ले लो, जरा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 करोगे अगर आप तो यहाँ पे आएगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ लो बन गया, ठीक है। ये आपने बना लिया, क्यों, आपने विड्थ चेक कर ली, आपने चिन की लेंथ चेक कर ली, आपने जो जॉ लाइन की लेंथ है वो चेक कर ली। अभी अपन ने कोई पूरा परफेक्ट शेप नहीं बनाया, अपन एक रफ स्ट्रक्चर बना रहे, तो वही चीज अपन बालों के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो बाल कितने सेंटीमीटर बाद कर्व हो रहे हैं, 2.5 यहाँ मार्क किया मैंने, 2.5 यहाँ, राइट से देखें 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ मार्क किया मैंने 2 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है मेरे बाल जो है कर्व हो के यहाँ पे है कि आई लेवल पे, फिर वहां से अलग आए, तो अब आई लेवल जो है वो चिन से कितना ऊपर है, 7.1 के आसपास, 7.1 7.2, तो इतना, मतलब ये मेरा आई लेवल है, ठीक है। तो बालों का जो अगर आप डायरेक्शन देखो, दे आर कमिंग लाइक दिस, ये कर्व हुआ तुरंत नीचे की तरफ, ठीक है, एंड देन इट गोज लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से पीछे की तरफ कर्व होते हुए, अब मेन फोकस इज फेस, ठीक है। हेयर्स को बहुत ज्यादा ऐसे एक 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 बाल बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट आउटलाइन इज इनफ, ठीक है। तो इस तरीके से राइट साइड, लेफ्ट साइड के बाल है, राइट साइड के बाल ये आई लेवल से थोड़े ज्यादा ऊपर से कर्व हो रहे हैं, तो एक अंदाजा लेने के लिए इस पे भी सेंटीमीटर मार्क ले लो अपना, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर आपको इसे कर्व कर, ओके, ये इस तरीके से आया, कर्व हुआ, ठीक है। अब आप ये देखो कि बाल कितने सेंटीमीटर राइट, सेंटर से कितने सेंटीमीटर राइट टच कर रहा है, 2.5 यहां मार्क किया मैंने, तो बालों का जो कर्व है वो यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा चेहरे की आउटलाइन बन गई, ठीक है। अभी मैं आईज का एरिया, नोज का एरिया, लिप्स का एरिया डिफाइन करूंगा, उसके बाद अपन फेयर शेप में जाएंगे, लेकिन एक ये बेसिक सा अपना ड्रॉ हो गया और बहुत आसानी से हुआ, कोई अपन ने कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट नहीं लिए। तो आईज नोज लिप्स का एरिया स्टार्ट करना है, तो आईज की तो अपन लाइन दे चुके हैं, लिप्स की बारी आती है, तो लिप्स कितना ऊपर है, 3 सेंटीमीटर ऊपर है, 2.93 सेंटीमीटर, ओके। तो ये मैंने मार्क किया यहाँ पे, पैरेलल खींचनी है लाइन, ओके, बहुत हल्के से, बहुत लाइटली, ठीक है। जो नोज की लाइन आ रही है दैट इज 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, इसे भी स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करो। फिर नोज के ऊपर वाली लाइन इट इज 5.6, ठीक है। तो ये चेहरे के अंदर के जो डिविजन्स थे वो हो गए,
अपना जो कर्व आ रहा है, अगर आपको इस लाइन से नहीं बनाना था, आपको कर्व्स पूरे सर्कल से बनाना है, तो वो भी बना सकते हो। अपन ने इससे कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि भाई नोज कितनी जाएगी, लिप्स कितने जाएंगे। तो लिप्स की लेंथ देखो, लिप्स की लेंथ कितनी है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.2 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 1.6 लेफ्ट 1.6 राइट, तो 3.2 यहाँ आएगा, तो इतने एरिया में अपने लिप्स आएंगे, ठीक है। अब अपर लिप की लेंथ देख लो मैक्सिमम कितनी है, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर, और लोअर लिप इज 0.6 सेंटीमीटर। तो 0.4 सेंटीमीटर हियर एंड 0.6 सेंटीमीटर हियर, सो एक बॉक्स टाइप बना दो, जैसे अपन स्टार्टिंग में नहीं करते थे कि अपन ने पूरा एक बॉक्स बना लिया, उसी तरीके से तो लिप्स इस एरिया में आएंगे, ठीक है। एंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लिप्स इसके यहाँ पे टच करके और आगे जा रहे, नहीं, यहाँ तक एंड हो जाने चाहिए, एक एंड पॉइंट लेयर। नोज का भी देखें अगर, तो नोज का एंड पॉइंट कितना आता है, नोज की जो लेंथ है दैट इज 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट कितना है, 1.1, राइट इज 1.2, ठीक है। तो 1.1 यहाँ मार्क किया, 1.2 यहाँ मार्क किया, नोज इधर आएगी, ओके। नोज की थोड़ी और डिटेल के साथ करेंगे अपन, थोड़े और मेजरमेंट लेंगे, ये फर्स्ट टाइम ही है, इसको अपन जितना बार करेंगे उतने कम मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। आईज का देखते हैं, आईज के दो मेजरमेंट जरूरी हैं, लाइन पे टिप के और एंड के, इस पे भी एंड टिप और एंड का, कितना ऊपर है लाइन। तो लेफ्ट आई देखते हैं, टिप आ रही है 1 सेंटीमीटर और एंड पॉइंट कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसे अपन मार्क किया, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आई की लेंथ ऊपर कितना है इससे, 0.3, और नीचे कितना है, 0.1, 0.3, 0.1। सेम चीज अपन राइट आई के लिए करेंगे, तो टिप कितनी आ रही है अपनी, इसमें टिप आ रही है 0.8 और एंड पॉइंट कितना है, 2.7, 0.8 एंड 2.7, तो 0.8 हियर, 2.7 हियर। आई फिर आई के, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एक आंख ऊपर एक आंख नीचे होगी, तो इसी लेवल पे रहेगी, इस लेवल पे सेम, ठीक है, इतने ही रहेगी। तो अपन ने आईज, नोज, लिप्स का एरिया बना दिया, आईब्रोज का बना देंगे सेम तरीके से कि आईब्रोज कितने ऊपर है इस लाइन से, 0.8 सेंटीमीटर, इस लाइन से कितने, 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 यहाँ मार्क किया, 0.8 यहाँ मार्क किया, ओके। आईब्रोज के लिए, और आईब्रोज की विथ देख लो, दैट विल बी 0.4, फिर ऑल्सो 0.4, 0.4, 0.4, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली मैंने सारे एरिया बना दिए। इसमें एक चीज और है, जैसे आप देखो तो आपको चीक बोन्स पूरे दिख रहे होंगे, जो अंदर की तरफ ये एरिया रहता है, तो हल्का हल्का शेड करते हुए ये भी बनाओ, क्योंकि अपन जो रेफरेंस इमेज ले रहे हैं जिस एक्टर की है, उसके जो फीचर्स है फेस में, थोड़े यहाँ पे अंदर की तरफ है, चीक बोन्स क्लियरली विजिबल आते हैं, तो ये एरिया जो ड्रॉ कर रहा है, ये शेड करते हुए करो, ओके, शेड कर, ओके। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं करना, आप बोल ले सकते हो मेजरमेंट किए कितने आ रहे हैं, ये आ रहे 1.7, अपन ने कितने किए, 1.6, ठीक है, ये यहाँ से आ रहे 1.7, अपन ने करे 1.7, ठीक है। तो इतने कर लो, तो नेक अपना कहाँ से आ रहा है, नेक यहाँ से आके, अब ऐसा नहीं कि सीधे नीचे जा रहा है, ये डायरेक्शन भी देखिए, नीचे की तरफ यहाँ गया, ये नेक जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इतना। फिर ईयर्स का पोर्शन कहाँ से आएगा, ईयर्स आएंगे यहां से, ठीक है, राइट साइड में अगर आप पैरेलली देखो तो यहां से देखो, ईयर पूरे नहीं ड्रॉ करने, अपन को बस हल्का सा कर्व दे। फिर हेयर्स की बारी आती, तो हेयर्स का थोड़ा
आउटलाइनिंग काफी है, ठीक है, जैसे ये जा रहा है यहाँ से, फ्लो देखिए, ये फ्लो यहाँ जा रहा है, फिर उसके नीचे से अलग आ रहा है, तो ये फ्लो गया, ओके, तो बालों का अपन कर रहे थे, बहुत ज्यादा भी नहीं ऐसे कि बहुत बाहर तक ले जाना है, जहां तक सही है, ठीक है, और बालों को ऐसे नहीं बनाना कि बस एक पूरा डार्क सा कर्व लेते हुए, इस तरीके से थोड़े बिखरे हुए से कर्व के साथ करना, ताकि क्या होता है उससे एक अच्छा लुक भी आता है, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ बाल जा रहा है, यहाँ से बाल आ रहे हैं, फेस का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसे ऐसे क्रॉस करते हुए हल्के हल्के बाल इधर उधर बिखरते हुए, ठीक है, ये इसका शोल्डर पोर्शन जाएगा, यहां से ऐसे हल्के से बाल, ठीक है, इस तरीके से अब आप एकदम ऐसे एक एक कर्व सी शेप बनाने लगोगे कंधे से, वो अच्छे नहीं लगते बालों में, कर्व ऐसे ही अच्छे लगते हैं, थोड़े बिखरे हुए से, यहाँ पे भी है इस तरीके से, थोड़े आगे ले जाते हुए नीचे जाते हुए, यहाँ ऊपर की तरफ कर्व जो है, यहाँ पे कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कर्व जो आ रहा है, यहाँ पे कर्व है, तो जितने ज्यादा देखो, जैसे आपको ये दिख रहा है ये कर्व जो आ रहा है वो आके यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, तो अगर आप ऐसे ज्वाइन करके भी बना सको तो भी बढ़िया है, वरना कर्व लाइए तो थोड़े बिखरते हुए से ज्वाइन कीजिए, तो यहाँ पे जितने ज्यादा डिटेल हो सकती है उतना ज्यादा कीजिए, और नहीं हो रहा तो कोई परेशानी नहीं, सिर्फ बेसिक आउटलाइन से भी इसमें अपना काम चल जाए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा ईयर्स के नीचे, थोड़े कानों में ऐसे कर्व से जा रहे हैं ये, यहां से थोड़ा उठे, और ये अपने बाल बन गए, बहुत ज्यादा अपन ने एकदम भर भर के नहीं बनाए कि एक 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 स्ट्रोक बना रहे हैं बालों का, लेकिन हाँ जो अपन को दिख रहा है ना मेजर डिविजन टाइप या फिर मेजर जो कर्व्स दिख रहे हैं अपन ने वो बना दिए इसमें अच्छे तरीके से, तो ये यहाँ पे शोल्डर पोर्शन गया, अपन को पूरा एकदम सूट बनाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से शोल्डर पोर्शन गया, तो ये अपने बालों वाला एरिया पूरा हो जाता है, नोज ड्रॉ करना, तो नोज ड्रॉ करने के लिए देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो नोज का कर्व है वो इस पे आएगा, ये मैक्सिमम लिमिट है कि नोज कहाँ तक आ रही है, ठीक है, तो अब देखिए इतने आपने ड्रॉ कर चुके हैं कि आप एक बेसिक सा ड्रॉ कर सकते हैं नोज, ठीक है, कि कर्व बेस बनाया अपन ने, ये देख लीजिएगा कि जो नोस्ट्रिल है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये आता है 0.4 और ये आता है 0.4, यहाँ पे 0.4 हुआ, तो यहाँ पे 0.4, ठीक है, ये छोटे छोटे मेजरमेंट ये बना लीजिए करीब, इस तरीके से कर्व आया ये, ठीक है, इसके ऊपर से एक कर्व आया, हल्का सा उसे मोटा किया नॉस्ट्रिल के लिए ऐसे, यहां से नीचे से देखिए बहुत लाइटली ड्रॉ कीजिएगा, इस तरीके से, ओके, अब जो कर्व आ रहा है वो मैक्सिमम यहाँ टच कर रहा है इस लेवल पे, तो यहाँ से अंदर की तरफ एक कर्व आएगा, ऐसे धीरे, फिर सेम चीज यहाँ पे देखो, मैं नीचे से नहीं कर्व कर रहा हूँ, मैं इस लेवल से कर्व कर रहा हूँ, यहाँ से अंदर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ये यहाँ पे, एक चीज देख लीजिएगा कि जो लेंथ है, मतलब जैसे ये जो एंड पॉइंट है ये सेंटर वाली लाइन से कितना दूर है, इसमें 0.9 आ रहा है, थोड़ा सा और दूर,
थोड़ा सा और लेंथ आनी थी इसमें। इस तरीके से, और इसी की तरह जैसे ये अंदर आ रहा है वैसे नहीं कि इसके पैरेलल अपन ले जाएंगे, उतने ही डिग्री पे अपन अंदर लाएंगे इसे। ओके, स्ट्रेट लाइन जितना हो सके अपन ने किया ये, और हो गया। थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। अब ध्यान देना जो अपने कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल के, वो उसके मेजरमेंट ले लो। जैसे ये है 0.7 और ये है 0.5, ये है 0.6 और ये है 0.4। तो पॉइंट पता ही 0.7, 0.5, ये ऊपर वाला 0.6 और ये 0.4। तो अपन को जो मेजरमेंट मिले हैं, अब देखना ये स्ट्रेट नहीं, ये ऐसा ग्रेटर देन का जो साइन होता है ना उस शेप, तो यहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है हल्का सा इधर गए, ठीक है। सेम चीज यहां से ऐसे अंदर की तरफ और फिर ये वापस ऊपर। बहुत लाइटली ड्रॉ करना है, ये ऐसे शेड करते हुए ड्रॉ करो, ठीक है। एकदम वैसे डार्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर रखूंगा इसका मेजरमेंट लूं। अगर मैं तो यार 0.9 यहाँ, यहाँ से भी सेम चीज, बहुत लाइटली लाइटली गए और यहाँ पे ज्वाइन किया। एकदम पॉइंटेड ज्वाइन नहीं करना है अपन को, इसे थोड़ा सा कर्व कर देना, ठीक है। नॉस्ट्रिल सही नहीं बन रही, दोबारा इरेज करके एक बार इसके मेजरमेंट लेके देखो ये कितना है। 0.4 सेंटीमीटर ऊपर, 0.4 सेंटीमीटर ऊपर, थोड़ा सा कर्व के साथ है ये, ठीक है। और ये जैसे मेरा ज्यादा कर्व हो गया है ये वाला पोर्शन, तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा, जबकि ये नियरली स्ट्रेट है सिर्फ।